बिसफल रामीम या कनावो वैया कनस्तिन मेरे पाकिस्तानियों मैं जो आज आपसे बात करने लगा हूँ वो कल एक आई एस पी आर की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उसके अंदर उन्होंने एक दो बातें कहीं तो मैं मजबूर हूँ कि मैं आज अपनी कौम के साथ बात करूँ जो उन्होंने बात की कि ये पाकिस्तान के खिलाफ बगावत और इशारा सारा तहरीक इंसाफ के ऊपर कि हमने बगावत की है और ये कि ये पहले से प्लान बन रहा था इसका कि हम ये पहले से ही तैयारी कर रहे थे बगावत करने के लिए और ये अपनी फ़ौज के ख़िलाफ़ ये सारा ये हमने हमने किया और, और जिस तरह की वो वो बात की गई मुझे एक बड़ी तकलीफ़ हुई उसकी तो मैंने कहा कि मैं आज अपनी कौम के सामने ज़रा दो तीन पॉइंट रखूँ क्योंकि जब ऐसी बात की जाती है तो इसका जवाब देना बड़ा ज़रूरी है देखिए अब ये मौकाफ़ आ गया आई एस पी आर का और पाकिस्तान की स्टैबलिशमेंट का कि तरीके साफ़ ने बगावत की अब ये दूसरा भी एक मौक़ है ये हमारा भी मौक़ है ये मेरा मौकफ़ है मेरी पार्टी का मौकफ़ है कि हमारे खिलाफ़ पूरी कॉन्स्परेसी की गई हमारी गवर्नमेंट गिराई गई जबकि पाकिस्तान की तारीख में दो सालों में आखिरी हमारे दो सालों में बेहतरीन मशत ऊपर जा रही थी आप अगर इकोनॉमिक इंडिकेटर्स देख लें और पाकिस्तान इकोनॉमिक सर्वे पढ़ लें तो वो इनकी हुकूमत का भी पढ़ लें जब इनके इनके दौर में शाया हुआ है तो आपको ये पता चलेगा कि सत्रह साल के बाद बेहतरीन इकनॉमिक परफॉर्मेंस थी और सत्रह साल पहले इसलिए थी कि अमरीकी डॉलर्स आ रहे थे हम अमरीका की वॉर ऑन टेरर लड़ रहे थे ये अमरीकी डॉलर्स आने के बगैर बावजूद ये इकानमी बढ़ रही थी इंडस्ट्री बढ़ रही थी रिकॉर्ड ग्रोथ हो रही थी और इसके बावजूद के दो साल कोरोना में सारी दुनिया में एक बहुत बड़ा जवाल आया हुआ था उसके बावजूद अल्लाह का करम कि हमने अपनी मैशत को भी बचाया हमने अपने लोगों को भी बचाया दुनिया ने एक्नॉलेज किया कि पाकिस्तान ने जो कदम उठाए कोविड नाइन्टीन में वो दुनिया में मिसाल थे एक अमरीकी एक इकोनॉमिस्ट एक एक जो काम करता था डोनाल्ड ट्रंप में उसने कहा कि अगर अमेरिका पाकिस्तान की मिसाल ले लेता तो कितने दस खरब डॉलर बचा सकता था तो उस गवर्नमेंट को गिराया गया एक साजिश के तहत तो ये हम कह रहे हैं कि मुल्क से गद्दारी हुई उसके बाद 25 मई को हमारे साथ जो हुआ किसी पॉलिटिकल पार्टी से ऐसा नहीं हुआ कि वो लॉन्ग मार्च कर रही है और दो दो दिन पहले घरों में घुस के उठाए जा रहे हैं लोग कितने हज़ार घरों में पुलिस घुसी गु, रात के सुबह के तीन बजे ये पहली दफ़ा किसी पार्टी से ऐसे हुआ तीन लॉन्ग मार्चेज मेरे खिलाफ हुई बताएं एक भी एफआईआर कटी एक दफ़ा हमने किसी को रोका किसी को ऊपर टेयर गैसिंग हुई और हमारे ऊपर पूरा एक अटैक आया हमारे बुनियादी हकूक फंडामेंटल राइट्स की वायलेशंस हुई और हमारे ऊपर ही पर्चे कट गए मैंने तब 25-26 की सुबह को अपने धरना कॉल ऑफ किया क्योंकि मुझे पता था इंतजार की तरफ जा रहा है जो पार्टी इलेक्शन चाहती है वो इंतजार तो नहीं चाहती तो उसके बाद आ, हमारे ऊपर ये नहीं हुआ कि सस्तियां कम हुई जब हम तीस बाई इलेक्शंस जीत गए सैंतीस में से बावजूद इसके कि पूरी स्टेबलिशमेंट की सपोर्ट थी ये बारह जमातों की मेरे ऊपर कातलाना हमला हुआ मुझे कत्ल करने की कोशिश की गई मैं अपनी एफ आई आर नहीं कटवा सका ये भी साजिश थी क्योंकि वो ताकतवर लोग बैठे हुए थे मैं कुछ नहीं कर सका फिर जो जे आई टी बनी पंजाब की हमारी गवर्नमेंट थी उसने जो चीजें सामने लेके आई जब वो चीजें सामने आ रही थी कि तीन शूटर थे एक की बजाय वो जीआईटी को सेबोटाइज किया ताकतवर लोगों ने साजिश थी क्यों नहीं उन जीआईटी को चलने दिया उसके बाद हमारे ऊपर मेरे घर पे हमला होता है हम अश्योरिटी बॉन्ड जब दे रहा था मैं कि जनाब हम मैं वहां अट्ठारह मार्च को इस्लामाबाद के जुडिश जुडिशल कॉम्प्लेक्स में जाऊंगा कोई जो, कोई कानूनी जवाज़ नहीं था मेरे घर पे 24 घंटे हमला किया और वो श्योरिटी बॉन्ड भी ना ले पुलिस क्योंकि उन्होंने मुझे अफवाह करना था यहां से यहां लोगों को जख्मी हुए सारा दिन घर अंदर बैठ ना सके 24 घंटे टेयर गैस घरों कपड़ों के अंदर कभी किसी लीडर से ऐसे नहीं हुआ 18 मार्च को फिर मेरे ऊपर एक कातलाना हमला होता है अल्लाह का करम है कि मैं बच जाता हूँ सारा वहाँ ऊपर आई एस आई ने उसको टेक ओवर किया हुआ था जो जु, जुडिशल कॉम्प्लेक्स है सी, सी टी वी कैमरा इन्होंने बंद कर दिए पूरी तैयारी थी कि इमरान खान को कत्ल करना था वहाँ वो अल्लाह ने ऐसा करम किया कि वक्त में हम बाहर निकले अगर अंदर चले जाते तो दरवाज़ा बंद हो जाता तो ख़त्म था वहाँ बचा मैं उसके बाद अगले दिन यहाँ दो दिन के बाद तीन दिन के बाद इधर एक और मुर्तज़ा टाइप कत्ल करना था वो मुझे पहले पता चल गया मैंने टी वी पर चला गया वो रुक गई बात तो साजिश तो क्या हो रही थी साजिश ये हो रही थी कि एक पार्टी जो जीतने जा रही थी इलेक्शन उसको पार्टी को ख़त्म करने के लिए लीडर को ख़त्म करना था और प्लान तब से ही बना हुआ था केसेस शुरू हो गए थे महीनों के अंदर जैसे सत्तर साल में एक आदमी के ऊपर एक क्रिमिनल केस नहीं होता चांद महीने में आज 170 से ज्यादा केस हो चुके हैं यह यानी कौन सा इनसा, इंसाफ का तकाजा है कि हर किस्म का जो हर दूसरे दिन कोई नया केस हो जाता है सारा मेरा वक्त एक अदालत से दूसरी अदालत में लगता है तो यह कौन सा यह मुल्क की बेहतरी के लिए हो रहा है कि एक पार्टी सबसे बड़ी पार्टी को बाहर रखना इससे बड़ी साजिश क्या है जमूरीत सबसे बड़ी पार्टी को खत्म करने का मतलब जमूरियत खत्म करना और झुमरीत खत्म करने का मतलब आजादी खत्म करना है तो ये क्या मुल्क के खिलाफ साजिश नहीं है और फिर जो नौ मई को हुआ अब आई एस पी आर साहब कह रहे हैं कि जनाब नौ मई को जो हुआ है वो एक बड़ी साजिश चलती आ रही थी तो वो वो साजिश सामने आई बगावत मुझे ये बताएं कि मैं जब यहां से मुझे पता था पकड़ना इन्होंने मुझे नौ मई को मैं उससे पहले वीडियो रिकॉर्ड करके गया कि अगर मुझे पकड़ना है मुझे वारंट दे दें और मैं आराम से अपने आप को आपके हवाले कर दूंगा कोई जरूरत नहीं है कि ये जो जो मेरे घर के बाहर हुआ कि पुलिस हजार पुलिस और रेंजर्स अटैक कर रहे हैं सबके सामने जो हुआ कि रेंजर्स भी नहीं बल्कि वो कमांडोज थे उन्होंने अटैक किया शीशे तोड़े अमला जो बैठा हुआ था रजिस्ट्री ऑफिस का इस्लामाबाद हाइट को उसको मारा वकीलों को मारा मुझे लगा डंडा मुझे इस तरह लेके गए जिस तरह कोई दहशतगर्द है गैर कानूनी तौर पे मुझे पकड़ा क्या ये ये भी साजिश का हिस्सा था क्योंकि इसकी वजह से इश्तियाल आना था लोगों को और हमारा मौकफ यह है कि उसको इस्तेमाल करके एक पूरा क्रैकडाउन किया गया जो पहले से प्लान था हो ही नहीं सकता कि दो दिनों के अंदर आप दस हजार लोगों को जेलों में डालते पकड़ के जब से पहले से प्लानिंग बना हुआ था और उसके बाद जो भी चीज़ें हो रही हैं कि जो पीटीआई का है उसको पकड़ लेते हैं जेलों में डाल देते हैं बुरी तरह रखा जा रहा है तशद किया जा रहा है कस्टोडियल टॉर्चर की जा रही है और जो हाथ खड़ा करके कहता है जी मैं तेरिकन साहब छोड़ रहा हूँ सब कुछ माफ तो मेरा अब सवाल ये है कि आई का ये मौकफ है कि फौज के खिलाफ बगावत है हमारा ये मौकफ़ है कि ये हमारे खिलाफ पूरी साजिश हुई पार्टी को ख़त्म करने की ताकि वो इलेक्शन ना लड़ सके और इमरान खान को इलेक्शन से बाहर किया जाए ये 170 सौ सत्तर केसेज इसलिए कि किसी तरह डिस्कवालीफाई करो या जेल में डालो और ये मिलिट्री कोर्ट्स भी हम मेरी नजर में इसलिए हैं क्योंकि सिविल कोर्ट्स के अंदर ये जो सारे केसेज हैं ये कभी चल सकते ही नहीं है क्योंकि बोगस केसेज हैं तो इसलिए मिलिट्री कोर्ट्स बनाए जा रहे हैं ताकि उसमें इमरान खान को सजा दी जाए ताकि वो इलेक्शन से बाहर हो जाए तो मैं आज अपनी मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट को कहना चाहता हूं कि देखें इंसाफ का तकाजा तो ये है कि आई एस पी आर ने तो फैसला करके हमें दे दिया और जो भी बयान आते हैं वाजे होता है कि हम हम ही बगावत कर रहे हैं पीटीआई और इमरान खान आपने तो अपना माइंड दे दिया है तो अब सवाल यह कि आप मिलिट्री कोर्ट में आप कैसे फैसला कर सकते हैं क्योंकि जज जूरी और एक्सीक्यूशन तो आप बान ही नहीं सकते वो तो इंसाफ होता ही नहीं है इंसाफ तो वो होता है कि मेरा मौकफ है और एक इस्टेब्लिशमेंट का मौकफ है बीच में तो कोई कोई जज बैठ के फैसला करता है ना कि कौन ठीक कह रहा है मुझे मौका दिया जाए मैं इन साबित करूँगा मेरे पास तो अब आहिस्ता आहिस्ता सबूत आया ना कि ये पूरा प्लान करके नाव में को इंतजार किया गया है ये जो जगह जलाई गई हैं ये प्लान हुआ हुआ था पहले से ये जो पकड़े थे दस हज़ार लोग ये पहले से प्लान बना हुआ था और ये प्लान सिर्फ एक मकसद से था कि तहरीक इंसाफ को ख़त्म करना है यानी जो काटा डाला हुआ था जो बार बार मुझे हमें इस्टेब्लिशमेंट बताती थी जो मेरे अभी भी लोगों को मिलती है तो हमारे जो सारे लोगों को मिलती है उनको ये कि, कि जी इमरान खान के ऊपर काटा डल गया है आप किसी और पार्टी में चले जाएं पीटीआई का को, कोई कोई मुस्तकबिल नहीं है मुश्क पहले तो उनकी बिजनेस भी बंद करते हैं घर भी तोड़ते हैं सब कुछ लेकिन साथ ये मायूस भी कर देते कि इमरान खान का तो कोई चांस ही नहीं है तो बड़े रिस्पेक्टफुली मैं कहना चाहता हूँ कि एक ये अदालत में केस चलना चाहिए और ओपन ट्रायल होनी चाहिए मेरी एक और रिक्वेस्ट है ये टेलीविज होनी चाहिए ट्रायल क्योंकि एक मुल्क के खिलाफ अगर बगावत है तो ये कोई छोटी चीज़ नहीं है तो ये छुपा के नहीं होनी चाहिए पब्लिक में होनी चाहिए सारे जो आप कहते हैं कि आपके पास सबूत हैं आप लेके आए जो मेरे पास सबूत है वो हम लेके आते हैं कौम के सामने रखें क्योंकि अगर अपनी फौज के खिलाफ कोई बगावत करता है उसको सजा मिलनी चाहिए मेरी तरह का आदमी जो फैसला सारी बाहर बीस साल बाहर कमाई की सब कुछ बेच के आज मेरा पाकिस्तान में मेरा एक पैसा पाकिस्तान से बाहर नहीं है तो मुझे अगर गद्दार कहा जा रहा है तो मुझे मौका मिलना चाहिए अपने आप को बेकसूर साबित करने का पब्लिकली और दूसरी तरफ जिन लोगों को आज ऊपर बैठाया गया है जो सारे आज दुबई बैठे हैं पाकिस्तान के फैसले दुबई में हो रहे हैं मुझे यह आज बता देंगे कभी सुना है नरेंद्र मोदी जाके कि किसी और मुल्क के अंदर अपने वजीरों को बैठा के फैसले कर रहा है कभी सुना है कि बर्तानिया का प्राइम मिनिस्टर जाके यूरोप में बैठा हुआ या यूरोपियन प्राइम मिनिस्टर्स कहीं और जाके कर रहे हैं कभी दुनिया में सुना ही है? ये मुल्क से मजाक क्या हो रहा है कि जिन लोगों का स्टे की पाकिस्तान में नहीं है इनकी दुबई में बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज है लंडन में बड़ी प्रॉपर्टीज है और ये मुझे किसने बताया है ये हमारी आई ने हमें बताया है। ये नैब के जो पहले चेयरमैन थे जनरल अमजद उन्होंने मुझे आज से 20 साल पहले 23 साल पहले पूरी ब्रीफिंग दी कि इनकी कितनी प्रॉपर्टीज है इंफॉर्मेशन आती थी क्योंकि आईएसआई के पास इंफॉर्मेशन होती थी उधर से हमें इंफॉर्मेशन मिलती थी कि इनकी कितनी प्रॉपर्टीज बाहर हैं इन्होंने कितना पैसा किया फलानी डील से कितना पैसा कमाया वो लोग जो आज अरबों डॉलर की बाहर प्रॉपर्टीज लेके बैठे हैं जिन लोगों में एक कहता है कि नवाज शरीफ कहता है कि हिंदुस्तान को कि जी ये पाकिस्तानी फौज दहशत गर्दी कर रही है डॉन लीगस में दूसरी तरफ आज ज़रदारी जाके कहता है अमरीकनों को कि जी एडमिरल मनल को वो हुसैन अकानी उसका एम्बेसडर कहता है कि हमें बचा लो पाकिस्तानी फौज से अमरीकनों को कहता है वो ठीक हैं जिनके अरबों डॉलर बाहर पड़े हैं और जो आज सारे मिलके यानी पाकिस्तान में उन्हें कोई जगह नहीं मिली मीटिंग के लिए वो बाहर बैठे हुए सारे और इमरान खान जो सब कुछ अपना छोड़ के बेच के आज पाकिस्तान है वो गदार बन गए मुझे ये बताएं मैं प्राइम मिनिस्टर साढ़े तीन साल था मुझे एक बताएं मैंने निजी दौरा किया हो प्राइवेट विजिट की हो मेरे बच्चे इंग्लैंड में थे दो दफा मुझे बरतानिया के प्राइम मिनिस्टर ने ऑफर की कि लंडन आओ मैं क्यों नहीं गया क्योंकि मैं जब कोई बाहर का दौरा करता था पहले मैं देखता था मेरे मुल्क को उसका क्या फायदा है क्योंकि जब एक प्राइम मिनिस्टर बाहर दौरा करता है पाकिस्तान के डॉलर खर्च होते हैं हमारा पैसा खर्च होता है हमारा मकरूज मुल्क है मैं तो अपने बच्चे तक नहीं गया नवाज शरीफ बाईस दफा निजी दौरे किए उसने लंदन के जब वो प्राइम मिनिस्टर था जरदारी पचास दफा दुबई गया जब वो प्रेसिडेंट था और, और मुल्कों के अलावा तो आज मुझे तकलीफ ये है कि ये जो लोग ऊपर मुसलत किए हैं जो दुबई बैठ के पाकिस्तान के फैसले कर रहे हैं ये मुहब बता रहे हैं और मैं और मेरी जमात उनको गद्दार कहा जा रहा है इसलिए इसकी ओपन ट्रायल करें ये बैठे इसको टीवी के ऊपर यह ट्रायल आए मुझे मौका मिले बताने का कौम को कि हमारे से हुआ क्या क्या है मेरे से किस तरह गद्दारी की गई है किस तरह मेरे से झूठ बोले गए हैं किस तरह कमर में चाकू मारा गया है और आज पाकिस्तान को घुटने पे पहुँचा दिया है आज हम माशी तौर पे भी उस जगह पे पहुंच गए हैं कि नरेंद्र मोदी कहता है कि इसको पाकिस्तान को छोड़ दो ये अपने बोझ में ही गिर रहा है आज ये स्टेटमेंट आई है चौदह महीने पहले इस तरह की कि किसी कोई स्टेटमेंट आई थी जरा सिर्फ देख लें कि पाकिस्तान का वकार किधर था और आज किधर है पाकिस्तान जितनी इन्होंने खिदमत की अमेरिका की ये फॉरेन मिनिस्टर ने अच्छी अच्छी अंग्रेजी बोल के और पता नहीं अरबों रुपए के दौरे करके और ऊपर से शिबाशी सारा वक्त दौरे कर रहा है बाहर जो जॉइंट स्टेटमेंट आई अमेरिका की और हिंदुस्तान की नरेंद्र मोदी के दौरे पे हमारे हमें हमारी खतरे की घंटी बजनी चाहिए कभी बायलैटरल मीटिंग में वो तीसरे मुल्क को बुरा भला नहीं कहते उन्होंने नाम लेके कहा कि पाकिस्तानी दहशतगर्दी कर रहा है मतलब ये कि कश्मीर की जो सारी वो जो बेचारे हैं इतनी देर से अपनी आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं वो पाकिस्तान दहशत गर्दी करके लड़ रहा है वो आज़ादी की जंग नहीं है ये इतना बुरा हमारे ऊपर उन्होंने जो अब मैं क्या कहूँ कि जिस तरह का उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर तमाचा मारा है और यहाँ से कोई जवाब नहीं आएगा क्योंकि इनके पैसे बाहर पड़े हैं और उनको पता है इनके पैसे बाहर पड़े हैं ये कभी नहीं बोलेंगे लेकिन मुझे इससे ज़्यादा ख़तरा है और मैं इसलिए भी अपनी इस्टेबलिशमेंट को पैगाम देना चाहता हूँ कि देखें मैं एक तारीख का तलेब इलम हूँ ये जो इंडिया का और अब अमेरिका का जो जो जॉइंट डेक्लेशन आई और जो समझौता हुआ है डिफेंस में न्यूक्लियर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी में ये अब पाकिस्तान में बहुत आ गई हमारे माशी हालात बिल्कुल ही जिधर पहुंच गए हैं इससे एक इंबैलेंस पैदा हो गया है आज हिंदुस्तान जिस तरह नरेंद्र मोदी ने तकबर में बातें की हैं आज वो हमारे से अपने आप को बहुत ताकतवर अब समझते हैं और जब उन्होंने कहा ना कि अपने बोझ में गिर रहा है वो अपने बोझ में गिरने नहीं देंगे वो गिराएंगे हमेशा जंगें तब लड़ी जाती हैं जब एक फ्रीक समझता है कि वो दूसरे से बहुत ज़्यादा ताकतवर है रूस जब यूक्रेन में गया तो यूक्रेन का न्यूक्लियर प्रोग्राम ख़त्म हो चुका था और रूस समझता था उनसे बहुत बड़ा ताकतवर है अमेरिका इराक में और अफगानिस्तान में इसलिए गया कि वो बहुत ताकतवर था उनसे तो जब हिंदुस्तान ये समझना शुरू हो गया कि वो पाकिस्तान से बड़ा ताकतवर है हमारी खतरे की घंटी बजनी चाहिए मुल्क को मुतहद होना चाहिए मुल्क को आज़ाद रखने के लिए कौम को इकट्ठा होना चाहिए ये नहीं होना चाहिए कि मुल्क की स्टैब्लिशमेंट मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी को ख़त्म करने की कोशिश करे इसका मतलब जो मुल्क की अक्सर तवाम है जो एक पार्टी के साथ खड़ी है उसको अपने खिलाफ कर ले ये मुल्क को नुकसान है हमारी फिर से इकोनॉमी बैठ चुकी है इनके पास कोई हल नहीं है जो जिस तरफ हम जा रहे हैं जो ये कोशिश करने जा रहे हैं खिचड़ी पक जाए पॉलिटिकल इंजीनियरिंग से वो और मुल्क कमजोर होने वाला है मैं इसलिए फिर से कहता हूं कि आखिर में अपने जो फैसला करने वाले लोग हैं जो ताकतवर लोग हैं इस वक्त पाकिस्तान को एक ही रास्ता है साफ और शफाफ इलेक्शन लोगों को उम्मीद सिर्फ तब आएगी उम्मीद खत्म हो चुकी है नौजवान जो छोड़ छोड़ के मुल्क को जा रहे हैं प्रोफेशनल्स जो मुल्क को छोड़ के जा रहे हैं जो गरीब लोग किश्तियों में डूब रहे हैं बाहर मुल्क से निकलने के लिए इनको उम्मीद चाहिए और किसी चीज़ से उम्मीद नहीं आने लगी सिवाय एक चीज़ से साफ और शफाफ इलेक्शन पाकिस्तान पाइंदाबाद